हाय गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आज तो सुबह से लगे हुए हैं काम में, क्योंकि सैटरडे है तो काम है, तो अब जाके फ्री हो गए। तो मैं कहा आज बाहर का खाना चाहिए। वैसे तो कल भी मैं शादी में गया था, बाहर का ही खा के आया था। तो जब बाहर का खाओ हमारा भगवान। नहीं नहीं, रोज तो नहीं खाता, कभी कभार ही खाता हूँ, पर आज मेरे को पता नहीं सुबह से भूख लग रही है। ब्रेकफास्ट भी करके आया फिर भी भूख लग गई। तो भैया एक जगह गए थे, मैं कहा बिरयानी लेते आना, साथ में बढ़िया कड़क चाय पिएंगे। आज का लंच तो पूरा हो जाएगा टाइम पे, पहली बार कई दिनों बाद टाइम पे खा रहा हूँ। जो कभी 4 बज रहे कभी 5 बज रहे हैं, तो चलो करते हैं बिरयानी एंजॉय। कभी आप आओगे दुकान में तो आपको भी खिलाएंगे बिरयानी, है पर सामान खरीदना पड़ेगा, ऐसे नहीं है। तो गाइस फाइनली आज का दिन भी हो गया पूरा, भैया लगे हुए अपने ख़त्म हुए बाल चेक कर देखूँ क्या थोड़े मेरे बढ़ रहे हैं, चाहिए तो बता देना। अभी कटवा क्लीन है अभी, तो वैसे मैं कटवाऊंगा नहीं, मेरे लिए विग कितने की मिल जाएगी? विग कितने की मिलेगी? विग फ्री में दे दूंगा जब मैं कटिंग कराऊंगा, अपने फेविकॉल से जोड़ के मना लेना। और भैया देख लो लगे हुए एज यूजुअल महाभारत देखने में दिन रात। महाभारत क्या मजे आते हैं महाभारत में भैया, क्या आज तक देखी नहीं है? रिपीट कर करके देख रहे हो रामायण और महाभारत, हर किसी को देख रहे हैं। क्यों क्यों? इससे हमारा कल्चर पता चलता है। तो आपको क्या पता चला बताओ? बहुत कुछ पता चला, जैसे ही बहुत कुछ जैसे क्या बताओ डिटेल में। आज का तो टाइम वो है ही ना जो पुराना था। अच्छा, आज तो बस करो और मरो, और पुराना पैसे के पीछे भाग भाग का पागल हो जाओ। हाँ वो तो सच बात है, और पुराना पुराने में इतने पैसे ही कहाँ, इतने जरूर लोग सीमित का कमाते थे, सीमित का खाते थे, और सीमित ही लोग थे उस टाइम तो। आप तो अंधे तो लोग हो रखे हैं जिनके साथ आप 300-400 करोड़ है पृथ्वी लोग तो। इंडिया की कितनी है लगभग? 145 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, और पूरे वर्ल्ड की 300 करोड़ समथिंग लगभग। अच्छा, और क्या सीखा? और क्या सीखा, देखिए उम्र क्या दे कौन मार दिया ये दिन में मार दिया करोड़ों का लड़का धृतराष्ट्र का लड़का। और क्या क्या सीखा ये तो बताओ। और क्या मतलब, पुत्र मोह में धृतराष्ट्र ने महाभारत करवा दी थी, अब देखिए कैसे मार रहा है। और एक चीज और है कि पहले भी एक्चुअल रीजन तो लड़ाई का यही था, पैसा, तो ये लड़ाई क्यों हुई? पांडव और कौरव में युद्ध क्यों हुआ? ये धर्म युद्ध था भाई, ये तो पैसे का मामला ही नहीं था, ये युद्ध वैसे भी होना था, दुर्योधन को वैसे ही मरना था, क्योंकि वैसे नहीं होता तो भीम ने प्रतिज्ञा करी थी। अच्छा, अभी दुर्योधन मरता है, प्रतिज्ञा करी थी मारेगा। क्यों करी थी क्यों करी थी? द्रौपदी के बाल पकड़े थे। अच्छा, वाइफ की बेइज्जती की थी उसकी, इस वजह से। इसने कहा था सिर्फ एक वर्ड पे युद्ध हुआ था। क्या वर्ड पे? तेरे कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा। अच्छा, दुर्योधन गिर गया था, इनका एक शीश महल बनवाया था जो इंद्रप्रस्थ के नाम से। हाँ हाँ हाँ, सुना था मैंने। उसमें वो शीशे लगे हुए थे। हाँ, दुर्योधन का पक्का नहीं पता चला कि कहाँ रखा गया, और वो जल में पानी में गिर गया था, मतलब पग क्या सिर का पाँव। अच्छा, पाँव का पता नहीं चला कि कहाँ रखा गया, तो वो सीधा रिपट गया पाँव और पानी में गिर गया दुर्योधन। अच्छा, तब द्रौपदी गई थी अंधे का पुत्र अंधा। अच्छा, तो दुर्योधन को वो बात छूट गई थी, उसने तब रखा था वो चौसर का, इनका क्या बोलते हैं उसे, गेम पबजी, चौसर का वो शतरंज पबजी। अच्छा, पबजी जब रखा था तभी उसने शकुनी ने वो क्रीड़ा बोलते हैं उसे, तभी शकुनी ने सारा वो खेल रचाया था।
वैसे शकुनी वो करता था ना सारा खेल को, पर मगर शकुनी तो ये था ना जो चाहता था वो ले आता था, सबके अपने अपने छल, जैसे हम कई बार सुपके से कार्ड ताश के पत्ते नहीं खेलते, एक निकाल दिया दूसरा डाल के, वो हिसाब से छल हुआ होगा। अच्छा अच्छा ये फिल्म थी, एक बार उसके कार्ड देख ले और हम कितने योद्धा महायोद्धा मारे गए। हाँ हाँ पूरा ही विनाश हो गया था, पृथ्वी लोग योद्धा ही बचे थे, मान से ही बचे थे, पर गलती तो इनकी भी थी पांडवों की भी। उस टाइम का क्या था कि वचनबद्ध होने के बाद आदमी चला ही जाता था, आज भी ये स्थिति है कि कई 20 आदमी सामने जबान दे देते हैं आदमी, तो वो स्थिति है ही है। तू भी 20 आदमियों के सामने कहता कि मैं आऊँगा तो जाएगा तू, हाँ वही स्थिति, वही जुबान की वैल्यू और वो जुबान की वैल्यू भी आज भी हुई है। पर पांडवों ने तो वो करा था ना, देखा जाए तो उनने भी वो जब वो शतरंज वगैरह खेला था तो उनको दाव पे लगाया खेला है, जबकि युधिष्ठिर ने ये बात कह दी थी कि ये शतरंज जो है ना विनाश का खेल है, मैं खेलना नहीं चाहता, पर मजबूरन खेलना पड़ेगा। किसने बोला था? युधिष्ठिर। हाँ युधिष्ठिर ने बोला था ये विनाश का खेल है, मैं खेलना नहीं चाहता, पर मजबूरन बस मुझे खेलना पड़ेगा। उसके भाई खेल रहे थे क्योंकि उसको निमंत्रण भेजा था इसने दुर्योधन ने। अच्छा, और वो मना नहीं कर सकता था? मना नहीं कर पाया, वही बात है 50 आदमी के सामने हाँ कह दी। अच्छा, और फिर देखा जाए तो इनने भी वो जब लगाई थी ना उसकी बोली अपनी वाइफ की, वो भी तो करी थी, वो भी चीज़ गलती थी। गलती तो हुई थी, फिर तो गलतियों का ही दौर चला था। अब ये भीम ने 100 आदमी मार दी, 100 कोरू मार दी, 100 गलतियों का ही। 100 भाई थे ना, 100 भाई थे, 101 अपनी बहन थी मुसाला, ये सब मार दिए थे इन्हें, सब मार दिए, कमाई में मार दिया। अच्छा, तो ये देख लो गाइस लाइव चलते हुए भैया दिन रात महाभारत। पर महाभारत और रामायण आपको पता है सबसे ज्यादा कब देखी थी? लॉकडाउन में, याद हो आप? हाँ, जब और आती भी नेशनल पे थी फ्री में, नेशनल सारे चैनलों पे चली थी, सारे पे चली थी, हाँ सब पे चल रही थी जब ये आ गई थी कोरोना में। सबने रामायण देख ली पूरी, सबने महाभारत देख ली, पर उसके बाद भी फिर सारे राम नहीं बने, सच बात है राम जी नहीं बने, बने राम जी बनना तो आसान थोड़ी है भाई, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, और तभी नहीं बन पाते। ये तो है। तो गाइस भी बन गए, वो भी बहुत बड़ी बात है, हाँ राम जी बनना तो बहुत बड़ी बात है, ये बात है। तो गाइस बाप के वचन के लिए 14 साल काट, 14 साल काट दिया था आज के टाइम में, कौन सी औलाद है जो, और चू भी नहीं किया था, चू भी नहीं किया था, और 14 मिनट काटते। हाँ तो गाइस आज का महाभारत और रामायण का ज्ञान हुआ खत्म, भैया का टाइम हो गया रवानगी का। तो गाइस बैक टू द होम, और ये लगा लो कि आज तो मैं काफी ज्यादा लेट हो गया दुकान से आते आते, और टाइम फॉर द कॉफ़ी, कॉफ़ी के बिना नींद तो आती नहीं, वो पीनी होती है रोज़। तो आज मैं दुकान से लेट आया क्योंकि अब मंथ स्टार्ट हो गया है, तो GST फाइलिंग स्टार्ट हो गई है पिछले मंथ की, तो इसके बिल वगैरह इकट्ठे करने, मैनेज करने, फिर CA के पास भेजने हैं, तो वो मैं मैनेज कर रहा था, तो उस चक्कर में लेट हो गया। तो लेट आया, खाना पीना खाया, तो बस अब बैठा था। तो आज के व्लॉग में इतना ही था, तो आज के व्लॉग कहीं पर करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और चैनल पर नए तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।